हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर भी है ना। कैसे है? यूनिसेलुलर भी है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे है? मल्टीसेलुलर भी है ना। कैसे है? तो मल्टीसेलुलर भी, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। बहुत सारे जो है वो ऑर्गेन सिस्टम को भी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज, हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आखिर रेस्पायरेशन है ना, या फिर गैस हमारे लिए क्यों जरूरी है। गैस में क्या है? CO2 और O2। तो CO2 और O2 हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। हम लोगों को CO2 और O2 के बारे में समझना है कि CO2 और O2 हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए CO2 तो जरूरी नहीं, लेकिन क्या जरूरी है? O2 जरूरी है। O2 का फंक्शन क्या है? तो O2 जो है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके वो क्या करता है? ग्लूकोज, हमारे फूड आइटम्स जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। पर्पस इसका क्या है? तो यह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा। कहां? सेलुलर लेवल पर, है ना। सेल के अंदर यह इसका ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। वो भी कहां? तो वो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एक साइकिल कंप्लीट होता है। उस साइकिल को क्या कहा जाता है? क्रेब साइकिल कहा जाता है ना। क्रेब साइकिल के द्वारा वो क्या करता है? इसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा हायर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस के आधार पर कैसे कोई भी सबस्टांस जो है ब्रेक डाउन होता है। अब देखे लोअर ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे क्रिएचर्स हमारे अर्थ पर भरे पड़े हैं। तो आप लोगों ने इन छोटे छोटे क्रिएचर्स में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला लोअर ऑर्गेनिज्म को आप देखें, लोअर ऑर्गेनिज्म। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपका कौन है? अमीबा, सबसे प्रिमिटिव तरह का क्रिएचर, है ना। सेपलेस, तो ये क्रिएचर्स जो है ये कैसे सांस लेता है? तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है। कौन डिफ्यूज हो जाता है? ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर के यह ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। वहां पर जाकर के यह क्या करेगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके द्वारा। उसी तरह से आपका पैरामीशियम है ना। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आता ही है आप लोगों को। इस तरह से इसके ऊपर सीलिया का प्रेजेंस दिखाना है। तो यहां पर भी क्या होने वाला है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है गैसियस सब्सटेंस अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टली बॉडी सरफेस के द्वारा, है ना, डायरेक्टली बॉडी सरफेस के द्वारा इस तरह के लोअर क्रिएचर्स में क्या हो जाता है? गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए आपका प्रोसेस जो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। हम जानते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट अगर मॉलिक्यूल्स का होता है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहलाता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। डिफ्यूजन जो है वो लिविंग नॉन लिविंग किसी में कंप्लीट हो सकता है, इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑस्मोसिस के लिए क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखे थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, है ना। किसके द्वारा करते हैं? स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। इस तरह के रेस्पायरेशन को कूटानियस रेस्पायरेशन कहा जाता है। इस तरह के रेस्पायरेशन को क्या कहेंगे?
कुटेनियस रेस्पायरेशन। तो ये कहाँ है आपका फ्रॉग में, है ना, यानी कि कह सकते हैं एम्फीबिया कैटेगरी में जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके द्वारा होगा, तो स्किन के द्वारा होता है। जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इसके स्किन में और वहां से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फिश को देखे, तो फिश में क्या है रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो गिल्स कहाँ है, माउथ का जो अपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, है ना, माउथ के अपर वाले हिस्से में यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को फिश में अपर कुलम कहा जाता है। अपर कुलम के अंदर जो है इस तरह से गिल्स, अंदर रेडिश कलर के गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर सारा अंदर पहुंचा, यहाँ कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो है डिफ्यूज ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर चला जाएगा, कहाँ, गिल्स में, और गिल्स जो है डायरेक्टली इसको विदाउट हार्ट में गए हुए, विदाउट हार्ट में गए हुए ये डायरेक्टली बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा, बॉडी ऑर्गेन को सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, है ना, यानी कि हार्ट का फंक्शन जो है वो सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करता है, किसमें, फिश में, ठीक है। तो फिश में इस तरह से हम लोगों ने देखा। उस तरह से आगे चले इंसेक्ट ग्रुप में चलते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में चलते हैं। तो इंसेक्ट में क्या होता है, तो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है उसके निचले सरफेस पर ढेर सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सरफेस पर निचले हिस्से में क्या है, तो ढेर सारे होल्स प्रेजेंट है और इस होल को क्या कहा जाता है, स्पाइरिकल, है ना, ये होल क्या कहलाते हैं, स्पाइरिकल कहलाते हैं। और बॉडी के इंटरनल सरफेस पर, इंटरनल पार्ट में क्या होता है, इस तरह से एक ट्यूबुल्स होता है, ठीक है, एक ट्यूबुल्स होता है, मोटा सा ट्यूबुल होता है और ये ट्यूबुल्स जो होते हैं इस तरह से स्पाइरिकल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मोटा ट्यूबुल्स जो है इसको कहा जाता है ट्रैकिया, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और डायरेक्टली ये बॉडी के जिस हिस्से में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है कहां, तो प्रेजेंट है इंसेक्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। अब हायर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन वगैरह में, ह्यूमन वगैरह में रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है, तो ह्यूमन वगैरह में रेस्पायरेशन के लिए एक खास सिस्टम होता है। उस पूरे सिस्टम को आप देखें तो इसके लिए क्या है, रेस्पायरेटरी ऑर्गेन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, रेस्पायरेटरी ऑर्गेन प्रेजेंट, ठीक है। हम लोग इस रेस्पायरेटरी ऑर्गेन में क्या जानते हैं कि ये नोज है, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद क्या है, तो अंदर है ट्रेकिया है, फिर क्या है, यहाँ हमारा लंग्स प्रेजेंट है। तो उस पूरे पाथवे को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जाता है, रेस्पायरेटरी पाथवे भी कह सकते हैं इसको, वो पाथवे कैसा है इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला आपका नोज है, है ना, फिर क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दो ओपन होल जो हमारा दिखाई दे रहा है यही एक्सटर्नल नॉर्फिस कहलाता, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहलाता है, है ना। उसके बाद का हिस्सा जो है नेजल चैम्बर कहलाता है, उसके बाद के हिस्से को क्या कहते हैं, नेजल चैम्बर कहा जाता है। नेजल चैम्बर के बाद का हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, नेजल चैम्बर जाकर के ओपन होता है कहाँ, फैरिंग्स में, कहाँ ओपन होगा, फैरिंग्स में, फैरिंग्स का तीन पार्ट है, है ना, ओरोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। अब देखिए ओरोफैरिंग्स जो है वो आगे चला जाएगा माउथ वाले हिस्से से, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होगा, नेजो और लैरिंगो जो है हमारे विंड पाइप से कनेक्टेड होगा, ये पहला पार्ट है, लैरिंगोफैरिंग्स जो है दूसरा पार्ट है, यही के बाद क्या है, वॉइस बॉक्स स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमारा फैरिंग्स जो है वो ओपन हो गया कहाँ, फैरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स में, और लैरिंग्स ओपन होगा, लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको,
वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स के बाद जो है आगे का पाइप जो है उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद क्या है तो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई का हिस्सा है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद क्या है तो टर्सियरी है ना, टर्सियरी ब्रोंकाई है। टर्सियरी ब्रोंकाई के बाद क्या है तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इसके बाद क्या लगा हुआ है तो इसके बाद लगा हुआ है एल्वियोलाई है ना। इसके बाद क्या लगा हुआ है तो एल्वियोलाई लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से एल्वियोलाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं, ठीक है। यहीं तक हवा पहुंचता है। तो मैकेनिज्म देखिए कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हम लोगों ने क्या लिया, एयर को लिया, नेजल चैम्बर में पहुंचा, फिर फायरिंग्स में, फायरिंग से होते हुए लैरिंग्स ट्रैकिया तक पहुंचा, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्सरी ब्रोंकाई तक ये पहुंचता चला गया, ठीक है। और फिर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ये आगे तक जाएगा। ये हमारा पूरा सिस्टम है कैसे कैसे अंदर तक हवा जाती है। अब देखिए आगे सबके पार्ट्स को देखना है तो सब कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो कहाँ अवस्थित है, तो लंग्स जो है हमारा थोरैकिक कैविटी में अवस्थित है। थोरैकिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट है तो यह थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैकिक कैविटी का फॉर्मेशन किससे हुआ है तो 12 पेयर रिब से इसका फॉर्मेशन हुआ है। 12 पेयर रिब से थोरैकिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है और यह एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है थोरैकिक कैविटी में। ये जो रिब्स है, इस रिब्स को, ये रिब्स मान लेते हैं आप, तो ये रिब्स को बाहर से जोड़ने के लिए है ना एक मसल्स प्रेजेंट है, उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये इंटरनल हिस्सा है तो इंटरनल हिस्सा को अटैच करने के लिए एक मसल्स प्रेजेंट है, उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 12 पेयर रिब्स जो है हमारा जुड़ा हुआ होता है, 10 पेयर अटैच होता है और 2 पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है ना। मतलब इधर तो जुड़ा हुआ होगा लेकिन इधर ये नहीं जुड़ा होता है। इधर से का क्या मतलब हुआ कि आगे वाले साइड में वेंट्रल साइड, ये हमारा क्या है वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड में यह अटैच होता है किससे, एक बोन से। इस बोन को कहते हैं, इस तरह से प्रेजेंट है, इस बोन को कहते हैं स्टर्नम। आगे वाला हिस्सा में एक बोन से अटैच है जिसको क्या कहा जाएगा, स्टर्नम कहा जाएगा। और पीछे वाला हिस्सा में यह हमारे बैक बोन वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। तो ये 10 पेयर तो अटैच होता है, 2 पेयर क्या होता है फ्लोटिंग रिब्स होता है। इस तरह से हमारे थोरैकिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा लंग्स देखने में कैसा लगता है, तो लंग्स जो है एक पेयर हमारे पास है ना। लंग्स कितना है तो एक पेयर हमारे पास है, इस तरह से एक पेयर लंग्स हमारे पास है। यहां से कॉलर बोन लगा होता है, ठीक है। और यहाँ जो है वो स्टर्नम हमारा मौजूद है, हड्डी रीढ़ का, स्टर्नम आगे वाला हड्डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है देख रहे हैं कार्डियक नॉच है, इसको क्या कहा जाता है, कार्डियक नॉच कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच कहा जाता है। इसी के अंदर हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड के लंग्स में है ये, है ना। ये किसमें है, लेफ्ट साइड के लंग्स में। अब देखें कि आपका जो राइट साइड का लंग्स है वो 2 चैम्बर बटा होता है, ठीक है। तो ये, और ये जो है वो 3 लोब्स में बटा होता है। तो इतना ही याद रखे बहुत है, ये 2 लोब में बटा हुआ है और ये क्या है, 3 लोब में बटा हुआ है। और फिर ये हमारा कलर कैसा होता है लंग्स का, तो लंग्स का कलर जो होता है वो रेडिस ब्राउन कलर का होता है। ये किस कलर का है, रेडिस ब्राउन कलर का है, स्पंजी नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, स्पंजी नेचर का होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये कैसा होता है, स्पंजी नेचर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा हार्ट जो है कितना पार्ट में बटा हुआ है, कैसे कैसे बटा हुआ है। एक चीज यहाँ पर देखें आप, ये गड़बड़ है, ये जो है ये 2 लोब में बटा हुआ है और ये जो है हमारा राइट लंग्स जो है वो 3 लोब में बटा हुआ है, ठीक है।
ये तीन लोब में बटा हुआ है। इस चीज को याद रखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। ये जो है आपका हॉरिजेंटल फिशर है, ये ऑब्लिक फिशर है, हॉरिजेंटल फिशर है ना, हॉरिजेंटल फिशर, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ऑब्लिक फिशर है। इस तरह से हमारा लंग्स जो है बटा हुआ है। तो बस हमको याद रखना है कि लंग्स का प्रेजेंस कहाँ है, थोरैकिक कैविटी में है, रेडिश ब्राउन कलर का है। अब आगे इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो फंक्शन करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि हमारे लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है, जो थोरैकिक कैविटी जो रिब्स का बना हुआ है। उसके बाद जो है लंग्स के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव कवर है, इस प्रोटेक्टिव कवर को प्लूरा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्लूरा। मेम्ब्रेनस कवरिंग को क्या कहा जाता है, प्लूरा। प्लूरा दो भाग में डिवाइडेड होता है, तो एक को कहते हैं जो बाहर वाला होता है उसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाले को क्या कहा जाता है, विसरल प्लूरा, है ना। क्या कहते हैं अंदर वाले को, विसरल प्लूरा कहा जाता है। और इसके बीच में एक फ्लूड भरा होता है, इस फ्लूड को क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूड कहा जाता है। इसके बीच में एक फ्लूड भरा हुआ है, इस फ्लूड को क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूड कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इसको एक्सटर्नल शॉक से बचाने का काम करेगा लंग्स का प्रोटेक्टिव कवर, प्लूरा जो है इसको क्या करेगा, एक्सटर्नल शॉक से बचाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले तो हम जानते हैं, पीछे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं कि हमारा नीचे वाला हिस्सा इस तरह से यहाँ पर क्या था, एक एपिग्लोटिस था। एपिग्लोटिस क्या करता था, बारी बारी से फूड पाइप और विंड पाइप को कवर करने का काम करता था। और एपिग्लोटिस के बाद जो है एक गलेट था और एक ग्लोटिस था, है ना, गलेट और ग्लोटिस। गलेट जो फूड वाला पाइप था, और ग्लोटिस जो है इसके ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता था, इसके ओपनिंग को गलेट कहा जाता था। अब हवा जो है इंटर करेगी कहां से, तो गलेट से इंटर, ग्लोटिस से इंटर करेगी, अंदर जाएगी। तो अंदर आप देखें इस पाइप को, ट्रैकिया को देखें, है ना, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ट्रैकिया इस तरह से है। ट्रैकिया के ऊपर जो है वो सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में, सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है ना। सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, और इस रिंग का फंक्शन क्या है, तो यह हमारे ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या कर देता है, रोक देता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेगा, ठीक है। कार्टिलेज का बना हुआ रिंग है, इसका नंबर जो है वो कितना है, तो इसका नंबर 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के ऊपर। और इस तरह से ट्रैकिया आगे चल करके डिवाइड कर जाता है, ठीक है। आगे चल करके ट्रैकिया यहां तक है, इसके बाद ये डिवाइड करके दो पार्ट में बढ़ जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं इसको, है ना। क्या कहा जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है इसको। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों को प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। ये जो है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, इस साइड वाला जो है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर इसका फर्दर डिवीजन होगा लंग्स में के अंदर है ये, तो इसका फर्दर डिवीजन अगर होगा तो ये जो है इस तरह से सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेगा तो इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई। इसको क्या कहा जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेगा तो यह क्या कहलाएगा, और फिर इससे लगा हुआ क्या होगा, एल्वियोलाई, है ना। इस तरह से एल्वियोलाई लगा हुआ होगा, तो ये जो है उसको कहा जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जिस हिस्सा से एल्वियोलाई लगा होता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से लगा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एल्वियोलाई, है ना। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लगा हुआ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लगा हुआ हिस्सा क्या है, एल्वियोलाई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरनल लंग्स के अंदर जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम किस तरह से है, कितने सारे नली होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, और इस ट्यूबुल से होकर के एयर को पास करना है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमारा एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई काफी थीन स्ट्रक्चर होता है ना, लेकिन यह ढेर सारी थैली होती है, काफी लंबा चौड़ा सरफेस एरिया ये बना लेता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को अपने अंदर रखने के लिए, है ना।
एयर का वॉल्यूम 5 से 6 लीटर तक हमारे लंग्स के अंदर जो है वो रह सकता है, एक बार अंदर जा सकता है, 5 से 6 लीटर तक टोटल हो सकता है ना। इंस्पायर एक्सपायर मिलाकर के रेसिडुअल वॉल्यूम माने बचा हुआ एयर जो है वो 1500 से 1800 ml तक रहता है। तो ये आप देखें आगे कि एल्वियोलाई का दीवाल जो है वो इस तरह से एल्वियोलाई को काटे हैं। इसके एल्वियोलाई के दीवाल में 3 लेयर होता है, ठीक है। इसके दीवाल में कितने लेयर है, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। पहला है एपिथेलियम, फिर क्या है एंडोथेलियम, फिर क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह 3 लेयर आपका एल्वियोलाई जिसमें हवा हमारी जा रही है लंग्स के अंदर, उसके में 3 लेयर है, एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है और बेसमेंट। यहाँ पर ढेर सारे ब्लड कैपिलरी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। किस लिए प्रेजेंट होंगे, तो एयर को आगे ले जाने के लिए, है ना। तो इस तरह से ढेर सारे एल्वियोलाई यहाँ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, नर्व फाइबर प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा था। अब आप डायरेक्टली देखें मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करता है हमारा, कैसे कैसे क्या होता है, हम लोग हवा जब अंदर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नॉस्ट्रिल से, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गया। तक नॉस्ट्रिल से एयर जाने से पहले नॉस्ट्रिल के अंदर का स्ट्रक्चर हमारा जो नेजल चैम्बर है, अंदर के भाग है ना, नॉस्ट्रिल के बाद के अंदर का हिस्सा नेजल चैम्बर कहलाता है। तो नेजल चैम्बर के अंदर क्या है, तो नेजल चैम्बर के अंदर म्यूकस मौजूद है ना, क्या मौजूद है, म्यूकस और हेयर्स मौजूद है। ये क्या करेंगे, जो हवा आ रही है उसके स्पीड को कम करने का काम करेगा, डस्ट पार्टिकल रहेगा उसको अपने साथ ये चिपका लेगा। उसके बाद एयर को अंदर भेजा जाएगा, एयर अंदर चलते हुए कहां पहुंचेगा, आगे फैरिंग्स में, फैरिंग्स से कहां ब्रोंकी में, है ना, प्राइमरी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी से टर्शियरी में, है ना। इस तरह से चलते हुए नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स कर देते हैं, फैरिंग्स से ट्रैकिया O2 जा रहा, ठीक है, ट्रैकिया के बाद कहां प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या सेकेंडरी के बाद क्या टर्शियरी के बाद क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद कहां तो एल्वियोलाई। यहां तक ऑक्सीजन जो है अंदर जा रहा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एयर तो हमारा है वो क्या है, मिक्सचर है, कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है यहाँ कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेंगे, सारा एयर जो है अंदर इनहेल होगा और अंदर लेने के बाद वो सारा एयर का मिक्सचर में से जैसे जैसे कंटेंट है हमारा एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी हिसाब से अंदर जाएगा सारा हवा हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अंदर सारा हवा जाएगा तो दो चीज याद रखे, तो कह सकते हैं एंट्री हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मेन रूप से हम लोग समझे, तो हवा जो अंदर जा रही है उसको क्या कहा जाएगा, इनहेलेशन कहा जाएगा। तो इसी को कहा जाता है इंस्पायरेशन, है ना, इनहेलेशन का ही दूसरा नाम क्या है, इंस्पायरेशन है, हवा अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नाक से हवा छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सपायरेशन कहा जाता है और इसी को एक्सहेलेशन का नाम भी दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो इस तरह से हवा अंदर, तो इसमें क्या होगा, CO2 मुख्य रूप से, CO2 इसके अलावा अदर गैसेस तो हम बताएं ये भी अंदर गया है, तो नाइट्रोजन को तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, तो जैसे गया था वैसे ही बाहर निकलेगा, तो CO2 और अदर गैसेस के साथ जो है सारा हवा बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इनहेलेशन। इंस्पायरेशन में इनटेक ऑफ O2 और एक्सपायरेशन में रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। इतना है, दोनों को मिला करके क्या कहा जाएगा, दोनों अगर मिल गए तो ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, जिसमें हम लोग सांस लेना कहते हैं, है ना। ह्यूमन जो है 1 मिनट में 10 से 12 टाइम, है ना, 10 to 15 लिखिए, 15 टाइम्स जो है पर मिनट जो है रेस्पायर करता है, सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, सांस लेगा, है ना, सांस छोड़ेगा 10 से 15 बार वो सांस ले सकता है नॉर्मली, वो ब्रीथिंग रेट जो है उसका ये होता है, ठीक है। हवा अंदर पहुंच गई कहां, हमारे एल्वियोलाई तक। अब आगे का मैकेनिज्म देखें कि हवा जब अंदर एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है तो एल्वियोलाई का दीवाल जो है वो हाईली डिफ्यूजिबल है,
तो हवा जब यहाँ आएगी तो इसके बगल में ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जा रहा है, ये दीवाल है ना, एपिथेलियम है, एपिथेलियम के जस्ट नीचे जो है वो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। ऑक्सीजन आएगा, बाकी हवा भी आई है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करेगा हमारा, ये अंदर ले लेगा। हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब ऑक्सीजन को अंदर लेने की बात होती है तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यह क्या करेगा और CO2 का लेवल क्या होगा, हाई होगा, है ना। दो चीज याद रखना है, CO2 क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बना करके भी निकलते हैं, वो बताएंगे आगे। तो इस तरह से O2 जो है वो ज्वाइन कर जाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या है, आरबीसी है, और आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बना है, तो यह हमारे ब्लड कैपिलरी में बना है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहां हुआ है, ब्लड कैपिलरी के, कहां के ब्लड कैपिलरी के में, तो एल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरी में, लंग्स में। अब इसको जाना है कहां, दूर तक जाना है, तो ये यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, तो यह ट्रांसफर कर दिया जाएगा पल्मोनरी, है ना। हार्ट अगर पढ़े हैं तो हार्ट के अनुसार से पल्मोनरी वेन को ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, पल्मोनरी वेन से ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां, तो यह हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कहां, तो हार्ट के लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड से यह चला जाएगा ऑल बॉडी में, कहां चला जाएगा, तो ऑल बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पहुंच जाएगा, ऑल बॉडी में। मोटा मोटी आप समझिए कि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरी से कहां पहुंच जाएगा, ऑल ओवर बॉडी में, है ना, किसके द्वारा, आर्टरी के द्वारा। ये पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, जहां पर इम्प्योर ब्लड बहता है वो सिर्फ कहां प्रेजेंट है, तो यह लंग्स से प्योर ब्लड को रिसीव करता है सिर्फ, है ना, हार्ट में लाने के लिए। अब आगे देखें कि ऑल बॉडी में पहुंच जाएगा, हमारा टोटल बॉडी जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, तो ये मान लेते हैं टिश्यू है, यहां से ब्लड कैपिलरी गुजर रहा है, तो गुजर रहा है तो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, O2 का लेवल क्या है, हाई, है ना। इसके अंदर CO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, और यहां पर CO2 ज्यादा है, तो उसकी बाद की बात है, तो सबसे पहले ये जो है डिफ्यूज करके चला जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग, हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरी में रह जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करके टिश्यू के अंदर चला जाएगा, है ना, टिश्यू से सेलुलर लेवल तक चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन। सेल के अंदर क्या होता है, तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, है ना, क्या होना है, CO2 का फॉर्मेशन होना है, तो इस टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल टिश्यू के अंदर हाई हो जाएगा, और O2 का लेवल क्या है यहाँ, क्योंकि O2 तो कंज्यूम कर लिया है, तो O2 का लेवल जो है वो क्या होगा, कम होगा और CO2 का लेवल ज्यादा होगा। अब देख रहे हैं जो ब्लड कैपिलरी आ रहा है उसमें O2 का लेवल ज्यादा है, तो इससे ये डिफ्यूज होकर अंदर चला गया, CO2 इसमें ज्यादा है तो इससे डिफ्यूज होकर के इसमें आ जाएगा, ठीक है। टिश्यू से CO2 डिफ्यूज होकर के कहां पहुंच गया, ब्लड कैपिलरी में। टिश्यू जो हमारा था, टिश्यू से CO2 डिफ्यूज होकर के कहां चला गया है, डिफ्यूज कर गया और पहुंचा कहां, तो ब्लड कैपिलरी में,
हम ऑक्सीजन को पहुंचा दिए टिश्यू में, अब टिश्यू के अंदर जो सेलुलर रेस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ उसको वापस रिमूव करने के चक्कर में है ना, तो रिमूव कैसे होगा ये देखना है। तो टिश्यू से CO2 जो है डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरी के अंदर आ गया, ब्लड कैपिलरी में आ गया, ब्लड कैपिलरी में जब पहुंचा तो ब्लड कैपिलरी के अंदर फिर मौजूद है क्या, हीमोग्लोबिन मौजूद है, क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है ना, क्या बनाएगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसको क्या कहा जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्या कहेंगे उसको, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा, ठीक है। इस रूप में ये क्या होगा, यहां से ट्रांसफर होगा, अब नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो है वह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। ज्यादातर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं क्या, एक एंजाइम, क्या मौजूद होते हैं, एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो यह एंजाइम क्या करेगा, तो यह एंजाइम CO2 को वाटर के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करेगा, यही लिख दे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है CO2 को क्या करेगा, वाटर के साथ जोड़ने का काम करेगा, इसके साथ ये जोड़ेगा इसको, तो जोड़ेगा तो क्या बनेगा, H2CO3 और फिर ये HCO3 बनता है, ठीक है, कार्बोनेट, और फिर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और फिर बस अभी यही। तो ब्लड कैपिलरी में क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड का बन गया फॉर्मेशन हो गया, कार्बोनिक एसिड के रूप में यह आगे ट्रांसफर होगा, कहां के ब्लड कैपिलरी में, टिश्यू के ब्लड कैपिलरी में फॉर्मेशन हुआ है कार्बोनिक एसिड का या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरी से आगे चलेंगे, ब्लड कैपिलरी से ये फिर वेन में जाएंगे है ना, वेन से होते हुए ये कहां पहुंचेंगे, हार्ट में पहुंचेंगे, हार्ट इसको वापस पंप कर देगा कहां, तो वापस पंप कर देगा लंग्स में है ना, इसको कहां पंप करेगा, लंग्स में, तो लंग्स में कहां पहुंचा, एल्वियोलाई के पास, लंग्स के एल्वियोलाई के पास पहुंचा है। अब देखिए कि लंग्स के अंदर जो है O2 का लेवल हाई है, CO2 का लेवल क्या है, लो है, तो अब यहां पर जो आया है ना ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर बाहर ये टिश्यू से लेकर के आ रहा है ब्लड को, तो ये टिश्यू के कारण जो है इस पर CO2 का लेवल हाई होगा, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, CO2 निकल करके कहां चला जाएगा, एल्वियोलाई में, यहां पर डिसोसिएशन होगा, हीमोग्लोबिन बाहर ही रह जाएगा, CO2 अंदर जाएगा, कार्बोनिक एसिड से HCOH निकल जाएगा है ना, और क्या हो जाएगा, CO2 अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इसको फिर हम लोग एक्सपायरेशन के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से फॉर्म हुआ और कैसे ये आगे तक गया, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे मैकेनिज्म जानना है ना, मैकेनिज्म जानना है हम लोगों को, मैकेनिज्म को देखना है, रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म किस तरह से कंप्लीट होता है, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग देखेंगे, कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम लोगों को समझना है कि हम लोग सांस जो लेते हैं कैसे कैसे लेते हैं, सांस लेने के लिए क्या कुछ कंडीशन होना चाहिए, तो सांस लेने के लिए क्या कुछ कंडीशन होना चाहिए, इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारा क्या है, तो देखें कि हमारा ये जो हिस्सा है, दो कंडीशन होता है मैकेनिज्म में, पहला इंस्पायरेशन है और दूसरा एक्सपायरेशन है, तो इंस्पायरेशन को कंप्लीट कराने के लिए क्या कुछ कंडीशन होना चाहिए, इंस्पायरेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए, इसको आप देखें। इंस्पायरेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा 12 पेयर रिब्स है, रिब्स के ऊपर क्या है,
इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल से। तो सबसे पहला इंस्पायरेशन होने के कंडीशन में सबसे पहली बात जो है वो ये होगी कि हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या करने वाला है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाहर जो लगा हुआ है, ये हमारा लंग्स का अंदर का हिस्सा है, तो ये बाहर जो लगा हुआ है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पकड़ करके क्या करेगा, हमारे लंग्स को, हमारे थोरैकिक कैविटी को बढ़ाएगा, है ना, हमारे थोरैकिक कैविटी को क्या किया, बढ़ाएगा। तो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो ये हमारा क्या होगा, तो कह सकते हैं कि थोरैकिक वॉल्यूम, थोरैकिक वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जब थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पल्मोनरी, पल्मोनरी लंग्स के लिए है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब कह सकते हैं कि पल्मोनरी लंग्स के अंदर तो हवा उतनी ही थी, है ना, हवा में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हवा उतनी ही थी, हवा उतना होने के बावजूद भी क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होना है, डिक्रीज हो जाना है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कंपेरिजन किससे करें, तो कंपेरिजन करें हम एटमोस्फेरिक प्रेशर से, एटमोस्फेरिक प्रेशर की तुलना में यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो जब यहाँ का प्रेशर कम होगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशर लगाएगा तो हवा जो है वो आसानी से अंदर आ जाएगी, ठीक है। और एक कंडीशन है कि हमारे थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एब्डोमिनल कैविटी ये, थोरैकिक कैविटी ये, दोनों के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं डायफ्राम, है ना। तो जब हवा अंदर आने की बात, देखे कंडीशन ऐसे नॉर्मली है ना, लेकिन जैसे ही हवा आने की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले यहां तक था, है ना, यहां तक, अब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो एरिया को और क्या कर दिया है, इनहेंस कर दिया है, तो एरिया और इनहेंस हो गए हैं तो प्रेशर और घट गया है, इस वजह से हवा जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्पायरेशन का टेक्निक है, कैसे इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। अगला है एक्सपायरेशन, हवा बाहर कैसे निकलेगी, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के लिए कंडीशन जस्ट अपोजिट है। सबसे पहला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, कौन, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, है ना, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पल्मोनरी एरिया घटेगा, है ना, तो क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर जो है, एरिया घट गया हवा उतना ही है ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया घट गया हवा उतना ही हवा आपको, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाल पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा चीज जो है, ये हमारा डायफ्राम जो अभी क्या हुआ था इनहेलेशन में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो और भी ये प्रेशर को इनहेंस कर देगा हमारे इसके ऊपर। तो कह सकते हैं कि हमारा यहां का प्रेशर, लंग्स का जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर जो है वो हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। लंग्स का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा होगा तो एयर क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। कैसे कैसे कंप्लीट हुआ, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्क्स 3 मार्क्स, है ना। तो आप इस तरह से बनाएंगे इसको, दोनों का पॉइंट को लिखेंगे, साथ में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बीमारी है, तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना, इसके लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डिसऑर्डर संबंधित पूरा एक बड़ा सा वीडियो है,
कितना तरह का डिजॉर्डर लंग्स में होता है, सारा डिजॉर्डर का उसमें डिस्क्रिप्शन है, आप जाएंगे है ना चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के अंदर जाएंगे और डिजॉर्डर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है ना, और क्या है तो हम लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं है ना, वो एस्फिक्शन काउज करता है, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होता है, तो ये सब चीज है। हाँ तो ये ध्यान देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूंगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।